हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम क्रेकर। आज के सेशन में हम देखेंगे सीडीपी के 685 क्वेश्चन की सीरीज का लास्ट पार्ट, क्योंकि इससे पिछले पार्ट्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 660 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 661 से आगे करेंगे। तो लास्ट के 25 क्वेश्चन बचे हैं जिसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 661, एक अध्यापक प्रशिक्षित क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए, उसकी शिक्षण विधि को उन्नत करने के लिए। ऑप्शन बी, उसके ज्ञानवर्धन के लिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने योग्य होने के लिए। एंड ऑप्शन डी, भय दूर करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 661 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, एक अध्यापक प्रशिक्षित इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसकी शिक्षण विधि उन्नत हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 662। मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती है, वे अपने शिक्षकों के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट पर लिख देते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, आप कक्षा नायक को अपने विश्वास में ले लेंगे तथा ऐसे शरारती छात्रों की पहचान करेंगे। ऑप्शन बी, आप अपने अवकाश काल में ऐसे छात्रों पर निगाह रखेंगे और उन्हें पहचानेंगे। ऑप्शन सी, आप संपूर्ण कक्षा पर आर्थिक दंड लागू करेंगे। एंड ऑप्शन डी, आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप संपूर्ण कक्षा के प्रति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रधानाचार्य से बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 663, अध्यापक को सामाजिक कार्यकलाप में हिस्सा लेना चाहिए। ऑप्शन ए, कभी कभी। ऑप्शन बी, केवल तभी जब आवश्यकता हो। ऑप्शन सी, बारंबार। एंड ऑप्शन डी, कभी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बारंबार, यानी कि बार बार उनको किसी भी सामाजिक क्रियाकलाप में इंक्लूड होना चाहिए और बच्चों को उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 664, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में उत्तर नहीं दे पाता है तो आप ऑप्शन ए, किसी अन्य विद्यार्थी से उत्तर देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, आसान प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन सी, उसे दंड देंगे। एंड ऑप्शन डी, उसे बैठ जाने के लिए कहेंगे। तो 664 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसान प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेवल डाउन करेंगे, तो जब वो लेवल डाउन करेंगे तो उसका आंसर बता पाएगा, तो धीरे धीरे उसको टफ लेवल में ले जाएंगे और फिर उससे उसके लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 665, अध्यापक के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, उसके विषय पर उसकी पकड़। ऑप्शन बी, उसका सामाजिक होना। ऑप्शन सी, उसका आकर्षक व्यक्तित्व। एंड ऑप्शन डी, उसका अमीर होना। तो 665 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, उसके विषय पर उसकी पकड़। ठीक है, क्योंकि आत्मविश्वास के लिए सामाजिक होना इम्पोर्टेंट नहीं है और उसका आकर्षक व्यक्तित्व इसका भी इम्पोर्टेंट नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 666, अध्यापक का मुख्य कार्य होता है? ऑप्शन ए, अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना। ऑप्शन बी, निहित सिलेबस पूरा कराना। ऑप्शन सी, ज्ञान को बढ़ाना। एंड ऑप्शन डी, स्कूल में राजनीति करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, अध्यापक का मुख्य कार्य अपने विद्यार्थियों में से अच्छे नागरिक तैयार करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 667, आपकी राय में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए, समाज प्रगति करेगा। ऑप्शन बी, वह स्त्रियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाएगा। ऑप्शन सी, यह घरेलू कामकाज में रुकावट बनेगा। एंड ऑप्शन डी, यह स्त्रियों को स्वतंत्र बना देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने से समाज प्रगतिशील होगा और प्रगति करेगा। नेक्स्ट है, अध्यापक का कौन सा सामाजिक गुण उसके सम्मान में वृद्धि करता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के शिविर का आयोजन। ऑप्शन बी, कविता पाठ। ऑप्शन सी, साहित्यिक रुचि। एंड ऑप्शन डी, सामुदायिक सेवा। तो 668 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सामुदायिक सेवा। नेक्स्ट है, कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से फीस वसूल करना। ऑप्शन सी, क्लास के सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड रखना। एंड ऑप्शन डी, क्लास के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के बारे में सचेत रहना। तो 669 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन वन, कक्षा अध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन सामग्री का चयन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य द्वारा। ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा। ऑप्शन सी, स्कूल परिषद द्वारा। एंड ऑप्शन डी,
विक्रय प्रतिनिधि द्वारा। तो 670 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अध्यापकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को कब संतुष्ट महसूस करना चाहिए? ऑप्शन ए, जब उसका वेतन बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन बी, जब उसके जीवन यापन का स्तर ऊंचा हो जाए। ऑप्शन सी, जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाए। और ऑप्शन डी, जब वरिष्ठ अधिकारी उसकी प्रशंसा करे। तो 671 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जब उसके विद्यार्थी जीवन में सफल हो जाए। नेक्स्ट है, यदि छात्रों को परीक्षा समाप्त होने के तत्काल बाद उन्हें अंकों की जानकारी प्रदान की जाए तो इससे लाभ होगा। ऑप्शन ए, दुर्बल छात्रों को डांटने फटकारने में। ऑप्शन बी, उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में। ऑप्शन सी, छात्रों की व्याकुलता शांत करने में। एंड ऑप्शन डी, छात्रों की प्रेरणाओं को पुनर्बलन प्रदान करने में। तो 672 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तम छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने में। अगला क्वेश्चन है, यदि एक छात्र आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ऑप्शन ए, आप अन्य छात्र से संकेत द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। दूसरा ऑप्शन है, आप उक्त छात्र से उससे संबंधित दूसरा सरल प्रश्न पूछेंगे। तीसरा ऑप्शन है, आप उक्त छात्र का अपमान करेंगे। एंड डी, आप उक्त छात्र को तब तक बैठने नहीं देंगे जब तक कि आपको प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल जाता। तो 673 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अन्य छात्र से संकेत द्वारा उक्त प्रश्न का उत्तर पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 674, आपका स्वयं के प्रति ईमानदारी के विषय में क्या विचार है? ऑप्शन ए, आप पूर्ण रूप से ईमानदार हैं। ऑप्शन बी, आप कभी भी जीवन में प्रलोभन के शिकार नहीं हुए हैं। ऑप्शन सी, आप अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष ईमानदार हैं। एंड ऑप्शन डी, आपके समक्ष यदि बेईमानी की सशक्त परिस्थिति उपलब्ध हो तो आप ईमानदार नहीं रह पाएंगे। तो 674 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आप अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष ईमानदार हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार। ऑप्शन बी, छात्रों से लाल प्यार। ऑप्शन सी, निरंकुशता का प्रचार प्रसार। एंड ऑप्शन डी, कृत्रिम व्यवहार। तो 675 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, एक अध्यापक के आत्मविश्वास का प्रतीक विषय वस्तु पर संपूर्ण अधिकार होना है। नेक्स्ट है, आजकल विद्यालय निम्नलिखित लक्ष्य को पूरा कर पाने में असमर्थ है। ऑप्शन ए, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन बी, छात्रों में व्यावसायिक कुशलताओं की वृद्धि। ऑप्शन सी, छात्रों में परीक्षाओं के प्रति ईमानदारी। एंड ऑप्शन डी, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना। तो 676 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 677, एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन ए, यह आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। ऑप्शन बी, यह शिक्षा प्रक्रिया में योगदान देता है। ऑप्शन सी, यह सहानुभूति का उन्नयन करता है। एंड ऑप्शन डी, यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। तो 677 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यह शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है। अगला है, क्वेश्चन नंबर 678, आपके घर के सदस्य देर रात तक टीवी देखना पसंद करते हैं जिससे कि घर में सोने के समय कठिनाई उत्पन्न होती है, आप इस परिस्थिति में कैसे परिवर्तन करेंगे? ऑप्शन ए, आप उन्हें समझाएंगे कि देर रात तक टीवी देखना स्वास्थ्यप्रद नहीं है। ऑप्शन बी, आप उनके टीवी से डिश एंटीना केबल निकलवा देंगे। ऑप्शन सी, आप उन्हें स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ निश्चित समय तक टीवी देखने की सलाह देंगे। एंड ऑप्शन डी, आप अपना शयन कक्ष एकांत स्थान पर स्थानांतरित कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आप उन्हें स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ निश्चित समय तक टीवी देखने का सलाह देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 679, विद्यालय में छात्रों को गृह कार्य देने की प्रथा है क्योंकि ऑप्शन ए, छात्र घर जाकर विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करते हैं। ऑप्शन बी, छात्र अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। ऑप्शन सी, छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। एंड ऑप्शन डी, छात्र कुसंगति से बच जाते हैं। तो 679 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र स्वतंत्र अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास करते हैं। नेक्स्ट है, यदि आपके शिक्षण के दौरान कक्षा शांत नहीं है तो इसका कारण हो सकता है? ऑप्शन ए, आप छात्रों को अनुशासित कर पाने में असमर्थ है। ऑप्शन बी, आप स्वयं शिक्षण में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन सी, आपकी शिक्षण विधि अरुचिकर है। एंड ऑप्शन डी, आप केवल समय गंवा रहे हैं। तो 680 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपकी शिक्षण विधि अरुचिकर है। नेक्स्ट है, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को महापुरुषों के जीवन से उदाहरण देने से। ऑप्शन बी, छात्रों को पुरस्कृत करने से। ऑप्शन सी, छात्रों को व्याख्यान देने से। एंड ऑप्शन डी, छात्रों को डांटने फटकारने से। तो 681 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों को तात्कालिक प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती है छात्रों को पुरस्कृत करने से। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 682, एक शिक्षक को कक्षा में उत्तम अनुशासन बनाए रखने के लिए उपाय करना चाहिए। ऑप्शन ए, छात्रों के लिए उचित दंड व्यवस्था का प्रावधान करके। ऑप्शन बी, अनुभवी शिक्षकों के अनुभवों से लाभ प्राप्त करके। ऑप्शन सी, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके। ऑप्शन डी, छात्रों से मित्रता करके। तो 682 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रों को उत्तम ढंग से पढ़ा करके। अगला है आपका, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के संदर्भ में विचार है कि ऑप्शन ए, मैं एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हूँ अतः मेरी समाज में उच्च प्रतिष्ठा है। ऑप्शन बी, मैं शिक्षक के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी हूँ अतः व्यक्ति सुलभ कमियाँ मुझमें विद्यमान है। ऑप्शन सी, मैं सदैव अपने अवगुणों पर तीखी नज़र रखता हूँ तथा उन पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ। एंड ऑप्शन डी, मैं एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति हूँ। तो 683 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, मैं एक कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हूँ अतः मेरी समाज में उच्च प्रतिष्ठा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 685, यदि किसी छात्र ने अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया है तो आप उसे कैसे संबोधित करेंगे। ऑप्शन ए, आप यह गृह कार्य कब तक पूरा कर लेंगे। ऑप्शन बी, आपने गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी, आप कक्षा में जब आए जब गृह कार्य पूरा हो जाए। एंड ऑप्शन डी, अच्छा हो अगर आप इस कार्य को भूल जाएं। तो 685 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपने गृह कार्य को पूरा क्यों नहीं किया है और आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने CDP के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।